यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ भाई गुप्ता जी, कैसे नमस्कार हुआ? सर हाँ जी नमस्कार जी 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 तभी हम लॉर्ड में कालो पर थोड़ी बात करनी थी। कार्लो अच्छा जी बताइए। हाँ आप लोग मतलब झूठ को भी इस तरीका से साबित कर बात करते हैं कि जैसे वो लगता है कि वो सच में ही है। वो कुछ देर बोल देने दीजिए, उसके बाद हंसिएगा। आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। गुप्ता जी हुए आए लग रहा है। जहाँ तक हमें पता है कि 1861 के करीब में शिक्षा नीति लागू किया था अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड मैकाले, तो 1861 से लेकर अभी तक करीब 161 साल पूर्ति है। 161 साल में आज देखो दलितों के क्या शिक्षा व्यवस्था है, मतलब 161 साल में भी नहीं सुधरा। आप जान जाइए कि लॉर्ड मैकाले ने इस सोच के नींव रखा था कि हम इस भारत का शिक्षा व्यवस्था इतना तहस नहस करेंगे, इतना तहस नहस करेंगे जो कभी नहीं आगे बढ़ेगा, और वही आज देखने को मिल रहा है। 161 साल के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि हमें अच्छी शिक्षा लेने के लिए दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तब जाके हमें शिक्षा मिलती है। तो क्या आप इस शिक्षा नीति को अच्छा मानते हैं? सारा शिक्षा नीति तबाह हो चुकी है। सरकारी स्कूल की आप व्यवस्था जाके देखिए, पूरा चौपट है। कहीं का सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है। एक अभी नया में दिल्ली का शिक्षा, तो वहाँ की सरकार थोड़ी टाइट हुई है, वहाँ के शिक्षा के बारे में जानकारी आ रही है कि दिल्ली के थोड़ा सरकारी स्कूल का शिक्षा बेहतर हुआ। बाकी अच्छा, कहीं तो का शिक्षा नहीं, इस देश में अभी भी मानते हैं कि लॉर्ड मैकाले चल रहे हैं। और लॉर्ड मैकाले के लिए हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब आतंकवादी थे। क्या आप इसको भी मानते हैं कि वो आतंकवादी जाने दो? अच्छा गुप्ता जी, बस मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर मैकोली की शिक्षा नीति सही नहीं है तो इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी और उसका क्या लोगों पे, मतलब कितने, उसका क्या डेटा है, क्या इतिहास है उसका, थोड़ा बस थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। गुप्ता जी आप बहुत ज्ञानी हो, आज थोड़ा हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए बस। इसके बाद मेरा सवाल आएगा भाई। जैसे आप लोग बराबर बताइए, डेट बताइए कब था, मतलब आप लोग ज्यादा जोर देते हैं ना उसी चीज पर कि आदमी ऑटोमेटिक सन पर आकर फंस जाए। कि सन क्या है ना कि हमारे जो शास्त्र भी है, जो ग्रंथ है, उसमें सन और ईस्वी का ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया हुआ। ये नहीं बताया हुआ कि कब हुआ है कब नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि उस समय गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था था, मतलब गुरुकुल होते थे, आचार्य होते थे, पढ़ाई होते थे, ये सब के बारे में बताया गया है। संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती है, ये सब के बारे में बताया गया। ये चीज के लिए जो नहीं दिया गया कि कौन साल हुआ था, किसी को बंद कर लो गुप्ता जी, थोड़ा सा गुप्ता जी अपनी किसी बंद कर लो यार। ये डिफिनेट नहीं लिखा हुआ है कि हाँ इस साल में ही हुआ था, इस साल में। हाँ ये सब पहले बार जो शिक्षा व्यवस्था तो हमें पता है। अरे गुप्ता ब्रेक लगा, चिल्ला चिल्ला के थक गया। गुप्ता जी मतलब आप इधर ये कह रहे हो आपकी शिक्षा नीति अच्छी थी, आप इतने पढ़े लिखे थे, और दूसरी तरफ आप अपने आप को खुद ही डिबंक कर ले रहे हो, बोल रहे हो कि भाई हमें सनमन याद नहीं रहते थे, मतलब फिर इसका मतलब है आप लोग पढ़ते लिखते नहीं थे।
बताइए गुप्ता जी, सन मत बताइए आप, मैं चलो सन भी नहीं पूछ रहा हूँ आप, चलो ये बता दीजिए आपके मनु मतलब ये लॉर्ड मैकॉले से पहले जो शिक्षा नीति थी आपकी मनु महाराज की, आप उसमें ये बता दीजिए कि सवर्ण तो 15% है ठीक है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 85% जो बहुजन है एससी एसटी ओबीसी आज जो है उनको रहने का अधिकार था क्या? अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, आप लोग इस पर आते हैं ना कि पढ़ने का अधिकार था, लेकिन अब हम बताते हैं आपको 161 साल से पढ़ने का अधिकार मिला है, तो क्या पढ़ा सबने? नहीं पढ़ा, उस समय भी अधिकार था। अधिकार अरे भाई था, क्यों नहीं पढ़ा भाई? खुद न पढ़े उसका जिम्मेदारी तो मैं नहीं लूं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत कौन है? द्रौपदी है, नुपुर द्रौपदी है, इसका नाम थोड़ा मैं नुपुर रहा हूँ आदिवासी। यार एक मिनट यार, मजे लेने दो यार, मजे, इसको म्यूट करो, इसको म्यूट करो वरना ये रुकेगा नहीं। आजाद म्यूट करो, अरे मैं इसको याद है, आजाद म्यूट करो वरना ये नहीं रुकेगा। हाँ कर दिए भाई। क्या गुप्ता जी, नूपुर शर्मा और द्रौपदी मुर्मू दोनों का मिश्रण करके द्रौपदी नूपुर, वाह 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 वाह, ये सही में नहीं, ये एकदम परफेक्ट मनुवादी शिक्षा है ये। मतलब कहाँ पे दो लोगों को कहीं पे भी जोड़ देना है, अर्धनारी ईश्वर बना देना है, यही आता है क्या आपको? और आपने एक और बड़ा झोल मार दिया कि 161 साल में कोई नहीं पढ़ पाया ये वो। आप किसी प्रकार की सेमेस्टर सिस्टम या कुछ भी मतलब जो एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है किसी स्कूल का, ऐसा कुछ भी आपके मनु महाराज देखे गए? एक नंबर दो, आजाद जी ने बोला पढ़ने का अधिकार था क्या शूद्रों को? नंबर तीन, बाकी ऊपर के तीन सवर्ण लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनमें भी गैप क्यों रखा गया, किस बात के लिए? उसमें भी ब्राह्मण का बच्चा 5 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का बच्चा 8 वर्ष की आयु में और वैश्य का बच्चा 11 वर्ष की आयु में, इसका कारण दीजिए। वैसे ये मैं फोकट चर्चा कर रहा हूँ, मैं पर्सनली मानू मेरे पैनलिस्ट शायद एग्री ना हो, लेकिन आपसे चर्चा करना और दीवार में सिर फोड़ना दोनों एक ही चीज होगी, कोई बात नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गुप्ता जी, चलो ये बता दीजिए आप इतने सारे नहीं, कुछ एक उदाहरण दे दीजिए। चलिए मैं सिर्फ आपसे एक उदाहरण पूछता हूं, 8वीं सदी से लेकर अंग्रेज आने तक, अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति लागू हुई, अंग्रेजों ने जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया, उसके बीच में कोई सिंगल ऐसा बहुजन बता दीजिए जो पढ़ा लिखा, सिंगल नाम बता दीजिए। गुप्ता जी मैं आज से यही चैनल क्लोज करके चल दूंगा। हाँ, और नहीं बता पाए ना, तो यहाँ से आ रही है। आपने कौन सा काल बताया आजाद जी? मेरे पैनलिस्ट थोड़े से क्रूक है। क्यों पता है? अभी आपने बोल दिया आपको साल वाल तो याद नहीं रहती, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते है भाई? सही बात है ना मेरी आजाद जी, आपका क्वेश्चन ही गलत है। हाँ यार ये भी बात है यार, चलो बता, मैं भी कुछ बताइए, एक सवाल इनसे ले लेते हैं। हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो, अमित जी को हाथ साफ करने दो। गुप्ता जी इसका जवाब दे दो। द्रौपदी मुर्मू, यार मैं क्या पूछ, भूल गया यार मैं, मुर्मू की बात नहीं भाई, मुर्मू मुर्मू है वो। 161 साल में शूद्र नहीं पढ़ा, लेकिन गुप्ता जी तो बिल्कुल डपोर संघ है। गुप्ता जी यार जवाब दो ना यार, कोई सिंगल पर्सन का नाम बता दो जो बहुजन हो 8वीं सदी से लेकर अंग्रेजों के आने तक कोई पढ़ा लिखा ऐसा सूत्र बता दीजिए आप, आपके मनु राज्य में पढ़ा हो। देख लीजिए, सुन लीजिए, जैसे हम बहुत सारे, देखिए एक सेकंड में सुन लीजिए, देखिए हाँ, अंग्रेज से आने से पहले, अंग्रेज से पहले क्या था ना कि यहाँ पे मुसलमानों की राज थी, पहली बार सुन लीजिए, मुसलमानों की राज, मुसलमानों की राज थी, तो जब उसके उससे पहले ही की बात होगी ना, तो उससे पहले की
अभी उतनी हमने रिसर्च नहीं किया है, अगर आप अगली स्टेज में हमें इस प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ, कोनो बड़ी चीज नहीं है, उस पर थोड़ा खंगालना पड़ेगा कि हाँ कोई है कि नहीं है। अगर सच में बात नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए तो थोड़ा स्टडी करने पड़ेगी कि कोई सारा स्टडी करके आएंगे गुप्ता जी, इसमें पता है तुम लोग को पूरा स्टडी करके आएंगे, ऐसा जवाब नहीं देंगे। अब मेरी बारी गुप्ता जी, ठीक है जी जी, मैकॉले की स्पेलिंग बताओ। अरे हंसो मत यार गुप्ता जी, बता दो यार। जी मैं कॉलेज की स्पेलिंग बताओ, सुने इंग्लिश वीक बताओ। 161 साल में जिस आदमी का आलोचना करने आ पाए उसका स्पेलिंग नहीं पता यार गुप्ता जी आपको। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, अमेरिका कहाँ है थोड़ा बताओ। अच्छा अच्छा ये बताओ अमेरिका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। अब आप जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं हमसे, हमसे अरे अमेरिका कहाँ है गुप्ता जी, जल्दी से बताओ अमेरिका कहाँ है। अमेरिका है आपको यूरोपियन कंट्री में होगा सर, यूरोपियन कंट्री में। नहीं नहीं नहीं, एक तो यूरोपियन कंट्री में ही नहीं है भाई, और दूसरा स्क्रीन शेयर कर दे भैया, भैया जी कर दे, प्यारा भैया स्क्रीन शेयर कर दे। अरे भैया अमेरिका है, अभी आपको दिखा अच्छा। देते, देखो मैं डायरेक्ट निकाला हूं यार, क्या निकाला हूं आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश ही। ये देखो भाई मैकॉले नहीं आता तो क्या होता, और हम क्या पढ़ने जा रहे थे ना, अर्थात एक समय व्यास जी अपने, एक मिनट गुप्ता जी, अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल लोक, अर्थात जिसे इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। सिद्धार्थ प्रकाश से बता रहे हैं। हाँ जी अच्छा रुक जाइए, दसवां समुल्लास पेज नंबर 280। और फिर यूरोप कहाँ पे, यूरोप कहाँ है गुप्ता जी, यूरोप कहाँ है गुप्ता जी, तो दौड़ लगा रहे हैं किताब लेने गए थे, प्रकाश के लिए गया था, सतात प्रकाश के लिए गया था। दसवां समुल्लास बताने दीजिए, दसवां समुल्लास में महामानव अंधा कुटिल सांप ग्रहणी है। नहीं आप पहले बुधा प्रेमी कर दिया हमने तिवारी जी, महामानव जी दसवां समुल्लास पहले तेगा हम तिवारी जी सुनिए ना। हमने बोला था कि यूरोपियन कंट्री में पड़ता है अमेरिका, तो थोड़ा आप बता दीजिए ना कौन सा कंट्री में पड़ता है। देखिए यूरोप ना एक अलग महाद्वीप है, ठीक है, अंग्रेजी में जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। अमेरिका जो है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस देश का नाम है, ठीक है जी जी। उसमें जो 50 अलग अलग राज्य हैं, उसका जो 49th राज्य जो अलास्का में, वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, और जो 50वां राज्य है हवाई, वो प्रशांत महासागर में है। बाकी के जो 48 राज्य हैं वो नॉर्थ अमेरिका नाम के एक कॉन्टिनेंट है उसमें है, और उसके अलावा जो दो और देश हैं उसी कॉन्टिनेंट में, अमेरिका के जस्ट ऊपर कैनेडा है, उसके नीचे में मेक्सिको देश है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में गुप्ता जी, जिसको आपके महामानव प्रातः अंधा कुटिल सांप गुदायस्य ग्रहणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिसे पाताल लोक में बताया है, वो पाताल लोक में नहीं है। अच्छा यूरोप को क्या बोलते हैं बताओ, यूरोप को क्या नाम है संस्कृत में, नाम बताओ यूरोप का। चलो आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, संस्कृत तो आती होगी, यूरोप का संस्कृत में नाम बताओ। नहीं संस्कृत नहीं, संस्कृत भी नहीं आती है हमको, संस्कृत नहीं, ये तो कुछ आता ही नहीं यार गुप्ता जी। यूरोप को संस्कृत में स्वामी जी बता रहे हरि वर्ष कहा जाता है ना, हरि वर्ष स्वामी जी बता रहे हैं, दसवें समुल्लास में ही सब अंट का संट बात। देख लेते हैं भी तो उस हिसाब से स्वामी जी, अभी जो क्वीन एलिजाबेथ टू मर गई वो तो इनकी महालक्ष्मी या छोटी लक्ष्मी ऐसा कुछ होगा ना उस हिसाब से। हाँ जी यही। अच्छा एक और भी चीज बता दू, महाभारत वाला जो अर्जुन था ना, अर्जुन का जो ससुराल था वो अमेरिका था। स्वामी जी लिखे कि अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं, वहां के राजा की लड़की उलुवई अमेरिका में अर्जुन का। सर वैसे देखा जाए तो बात थोड़ी सही है, ये सब्वे वब्बे सब ये हरिवर्ष और पाताल लोक के अमेरिका में ही है, हमारे वहां इसीलिए नहीं है। देखिए आप तात्पर्य देखिए स्वामी जी का,
स्वामी जी तो यार जबरदस्त इंसान थे। अरे भैया जो आदमी प्रेरक थे भाई, जबरदस्त होंगे ही भाई। कहाँ गए गुप्ता जी, क्या पलट रहे हैं यार गुप्ता जी? जी बोलिए। वाड़ा वाड़ा पलट रहे हैं। आप पलट रहे हो, मैंने कहा गुप्ता जी आप किताबों को पढ़ लीजिए यार, क्यों अपने आर्य समाजियों की बातों पे आप आ जाते हैं यार? आपको कोई भी कुछ भी चिपका के चल देगा इसी चक्कर में। सुनिए ना, बात पर नहीं आते हमने। अरे मैं आपको एक एक नॉर्मल बंदे की तरह से समझा रहा हूँ, आप मुझको ऐसा मत समझिए। जारवीज जी भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं, हम सभी ऐसा सोचते हैं। आप किताबों को पढ़ के अपने हिसाब से चिंतन करिए ना, क्यों आप लोगों की बात पे आप आइडियोलॉजी पकड़ के बैठे हुए हैं? कोई कुछ भी आपको चिपका के चल दे रहा है, आप मान के उसको पकड़ के बैठ गए यार। आप गुप्ता जी उम्र कितनी आपकी, जस्ट आपकी एज रेंज बताइए ना गुप्ता जी। 28 जी। और एग्जैक्टली नहीं चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करवानी है, लेकिन आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिजनेस 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 करते हैं। और business अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस के, ठीक ठाक चल रहा है? हाँ नहीं अच्छा खासा बिजनेस है, तीन तो तीन उस बिजनेसमैन के हिसाब से तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मतलब अभी आप जैसे बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे 16 वर्ष का कोई बच्चा बात कर रहा है। एक तो इसलिए मैंने पहले आपकी एज रेंज पूछी था कि आपको मैं हर्ट ना कर दूं बातों बातों में, ठीक है? एक नंबर दो, जो अभी न्यूटन जी बोल रहे थे, न्यूटन जी बोल रहे थे एक 28 साल का लड़का या कह सके ऑलमोस्ट यू आर मैच्योर मोर देन मैच्योर, तो आपको अपने आप से कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? और ये इन सब में टाइम बिगड़ के क्या आप उखाड़ लेते हैं, मतलब क्या अपनी जिंदगी में कुछ नया लिया क्या आते हैं? मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल इन सब चीजों के पीछे ऐसे बिगाड़े हैं ना कि अगर वो मुझे अगर शायद वापस मिल जाए तो मैं उसे लेना चाहता हूँ। कुछ नहीं मिलेगा इन सबसे, ये भगवो की फौज और ये पंडितों की फौज आपको सब बर्बाद करेगी, आपको सब पैसे लेगी और कुछ नहीं करती है। आपका दिमाग उसमें बिजी रहता है और आप सोचते हो कि मैं वहां जाऊं तो मुझे शांति मिलेगी, अशांति मिलती है। और कई बार तो आप जैसे लोग अपनी पत्नियां खो देते हैं, पता है? क्योंकि बाबा जी या वो पंडित उठा लेते हैं फिर। नहीं नहीं हम आपको हम पता भी नहीं होता, पंडित को छानते ना गुप्ता जी, वो किताब छान रहे थे, क्या हुआ फिर उसका? किताब देख रहे थे, दसम समूह लास्ट में खोल के बैठ गया था। हाँ उसमें कौन सा पेज था? थोड़ा बैठ गए थे तो कुछ निकल नहीं दिखा आपको? बैठ गए थे तो किताब के ऊपर बैठ गए थे यार, छोड़ी ना कितना डिफेंड कर बताल लोगों को पहुंचा दिए थे आप किताब को? गुप्ता जी समझ गया बात को, आप आर्य समाज से जुड़े हैं, कोई दिक्कत? सुनिए सुनिए, आप आर्य समाज से जुड़े हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, पर आपको अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए ना यार। आपको एक टॉलरेंस लेवल हर एक बंदे का होता है, आपका टॉलरेंस लेवल है कि आप पैसा दे सकते हैं ना, टाइम बर्बाद कर सकते हैं, भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, क्यों आप उनकी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं भाई? आप अपना काम करिए, आपका बिजनेस है। नहीं नहीं आप जो डिफेंड कर रहे हैं आप एक तरीके से उनकी भीड़ का हिस्सा है। आप अपना काम करिए, आप अपना बिजनेस पे ध्यान दीजिए। ये सब आप सत्यात्मक का सब डिफेंड करने को बैठ गए हैं भाई। उस आदमी को ये नहीं पता था कि सूरज और पृथ्वी में क्या फर्क है। आदमी में वो बात करते हैं कि सूरज में आदमी रहते हैं यार, आप उनकी बातों को पकड़ के बैठ गए, वेद को पकड़ के बैठ गए, पुराणों को पकड़ के बैठ गए। ये सब अनर्थ निकालिएगा तो कैसा अर्थ का अनर्थ नहीं, अभी किताबों में लिखा हुआ है यार, क्या अर्थ का अनर्थ होता है? अर्थ का अनर्थ का इसका मतलब सुनिए, अर्थ का अनर्थ क्या होता है यार? हम पढ़ते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब आपकी किताब को कोई दूसरा बंदा पढ़ ले, हिंदू पढ़ ले, मुसलमान पढ़ ले, ईसाई पढ़ ले, नास्तिक पढ़ ले, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है यार। ये कैसा आपका अर्थ? ये कैसा अर्थ है आपका? आपके भगवान को क्या सीधे लैंग्वेज में बात करनी नहीं आती थी क्या? बस अर्थ का अर्थ अनर्थ का अनर्थ निकालते रहते हैं। हम पढ़ते तो अंडा कुटिल सांप दिखाई देता है। हाँ हम पढ़ते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है यार, ये क्या फालतू की बातें हैं? सांप नहीं दिखाई देता, हम लोग पढ़ते तो हम वहां बड़ी यहां यही यही है ना, आप मानसिक यही मानसिक गुलामी है ना आपकी गुप्ता जी, यही मानसिक गुलामी है। जब आपके सुनिए, दिल्ली में जो कपल थे सुसाइड कर लिए वहां पर, वो पता है बाबा लोग सीरीज भी बनी उसके ऊपर, दिल्ली में कपल था सुसाइड कर लिए बेचारे बाबा प्रेत चक्करों में आके, कितने लोग बेचारे स्कैम हो जाते हैं इन सब चक्करों में, क्यों इन सब पछाड़ों में पड़ रहे हैं यार? छोड़िए ना इन सब चीजों को, जब आपको सुनिए, आपके जीवन इतना अच्छा है कि आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से भरोसा रखिए ना यार, अपने खुद पे भरोसा रखिए। आपको क्या भगवान की लाठी चाहिए आपको पकड़ने के लिए? खुद पे भरोसा नहीं है क्या आपको? क्या थोड़ा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो यार।
देखिए सही बात, खुद पर भी भरोसा है, खुद पर भी बहुत भरोसा है। और देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन का, पहले बात सुन लीजिए, मैं सबका सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता, मैं आपका भी सुनता हूँ, मैं किताब खोलता हूँ सिद्धार्थ प्रकाश उसको भी पढ़ता हूँ, मैं कुछ आचार्य विद्वानों से भी बात करता हूँ। उसके बाद बिजनेस अपने जगह है, देखो हमारे क्या ना बिजनेस, हमारे बिजनेस तीन जगह बिजनेस चलती है, एक जगह नहीं तीन तीन जगह हमारे बिजनेस चलती है। और पाताल लोग गायब हो रहे हैं ना बीच में से, न्यूटन जी याद दिला दो ऐसे। गुप्ता जी सर आप बात करिए, मैं अलग वे पे चले गया। गुप्ता जी आपको बीच में रुक, गुप्ता जी रुक जाइए, आपने बोला कि आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कौन कौन सी बुक पढ़ी आपने आर्य समाज की? देखिए हमने बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ी है, लेकिन मतलब क्या ना कि पूरा यार नाम बताइए ना, किताब के नाम बताइए ना यार, ये बहुत सारी किताबें पढ़ी क्या मतलब होता है? ये दयानंदी जलेबिया मत बनाओ यार, दयानंदी जलेबिया मत बनाओ। मैंने दयानंद सरस्वती का जीवनी पढ़ा है, ठीक है, अभी सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन पूरा फुल किताब नहीं पढ़ा, संस्कार विधि पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा पढ़ लिया। चलिए इसमें से संस्कार विधि तो मैंने पूरा पढ़ा है और सत्यार्थ प्रकाश मैंने पूरा पढ़ा है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, बाद में मैं अमित जी को याद दिलाऊंगा कि उनको क्या दिखाना है। संस्कार विधि में आपके बच्चे हो गए? संस्कार विधि में आपके बच्चे, आपके बच्चे हो चुके हैं कि अभी बाकी है फैमिली प्लानिंग? नहीं नहीं हो गया खत्म हो गया। तो आपने क्या संस्कार, आपने क्या संस्कार विधि के अनुसार अपने बेटर हाफ के पीरियड्स के चार दिन तक ठहर के बाद में अल्टरनेट जो रात्रियां होती है कौन कौन सी ऑड एंड इवन, उस हिसाब से आपने बच्चा प्लान किया था क्या? संस्कार विधि में तो वो दिया है कि अगर लड़का चाहिए तो हर इवन रात्रि में करिए, या फिर अगर लड़की चाहिए तो हर ऑड रात्रि में करिए, ये आपने पालन किया था? जी नहीं। तो क्यों नहीं किया था? नहीं। क्योंकि वो फेक है। मेरी मर्जी, ऐसी बात नहीं है सर, वो मेरी मर्जी, मैं अरे वाह, अच्छा, तो मतलब जहाँ पे फटी वहाँ मेरी मर्जी। और कोई पंडित जी आए थे क्या मंत्र वंत्र पढ़ने? हाँ आपकी आपकी क्योंकि संस्कार विधि में तो लिखा है कि आपकी प्रथम रात्रि के दिन, मतलब जब भी आपको सहवास करना है अपनी बेटर हाफ के साथ, तो आपके आजू बाजू चार पंडित और वो होम हवन करेंगे और वो लाइव देखेंगे। अब हमें कुछ आया तो बताया था ना, संस्कार विधि वाला भी मैं बता दिया था। हमें आप कुछ बोलने दीजिए सर, तिवारी जी आप तक हमको बोलने दीजिए। हम शादी क्यों करते हैं, शादी करना अच्छी बात है या गलत बात है, थोड़ी बताए, शादी करनी अच्छी बात है ना? टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, टॉपिक है दयानंद की शिक्षा, टॉपिक जैसे लोग शादी करते हैं तो शायद गलती भी हो सकती है ना। नहीं नहीं अच्छी बात है ना बुरी बात है, शादी हम क्यों करते हैं, सेक्स के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है सेक्स उसमें। क्या बात कर रहे हैं आप? 10% अरे वाह वाह, खुद ने क्या हो जाता है शादी के पहले, क्या हो जाता है तो सेक्स हटा दीजिए ना, शादी से सेक्स हटा दीजिए, आपको दो मिनट में शादी टूट जाएगी, आपको पता नहीं है, तलाक हो जाएगी, आपको डिवोर्स हो जाएगी। अरे यार ये तो आप संस्कारी लोगों के अगेंस्ट से बात कर रहे हो, पता है आपको यार, ये तो हद कर दी गुप्ता, आपका धर्म सिर्फ इसलिए शादी करता है, सिर्फ सेक्स के लिए? क्या धार्मिक लोग बड़े जी, एक काम करिए गुप्ता जी, ये पर्टिकुलर हिस्सा है ना, मैं खुद काट के भाभी जी को भेजना चाहूंगा, आपकी वाइफ मेरी बहन के मुताबिक है, मैं उनको भेजना चाहता हूँ, पता तो चले आपको कितने बेलन पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, सुने ना एक बात बताओ, देखिए हम एक कह नहीं कि देखिए शादी शुदा जिंदगी में सेक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं यह कहना चाह रहा था। कौन मना किया यार, मत निकाल लीजिए सर, महत्व कौन मना, और उससे पहले जो आप बोले ना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हमारा कहने का मतलब यही था, लेकिन आप सोचिए कि आप समझ क्या लिए उसके बाद नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते थे कि ठीक है उसमें शादी, इसलिए उसमें ज्यादा हिस्सा क्या होती है, सेक्स की होती है, लेकिन अगर हम ढोल नगारा पीट के कहने जाए कि देखो भैया शादी किया है और अब सेक्स करेगा, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि कोई नहीं, लेकिन करता सब गुप्ता जी, आप 24 घंटे उसी में, गुप्ता जी ने अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने का लाइसेंस लिया है शादी, मतलब उसके लिए और कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, उसके साथ और भी बहुत कुछ है, जैसे संतान उत्पत्ति है, बहुत सारी चीज है, लेकिन वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, आप जिंदगी भर बच्चा नहीं पैदा कर सकते, मतलब दो बच्चा पैदा किए बस हो गया, उसके बाद हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मनुस्मृति तो 11 बच्चों को बोलती है यार,
हाँ मनुस्मृति 11 बच्चे की बात करते हैं तो उसमें का वो पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए जो उसमें 11 बच्चे बता रही है उसमें नहीं चाहिए पर वो तो आर्य समाज से है। अरे मैं विशुद्ध मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ आर्य समाज की। जहाँ दो है ना उसको हमने दो माना सरकार हमारे नियम लगाए दो हमको दो चाहिए हो गया कहानी खत्म हमने ऑपरेशन करा दी कोई टेंशन नहीं है। वैसे एक मनुस्मृति में क्या लिखा गुप्ता जी दो बच्चों की कहाँ लिखा आपकी मनुस्मृति में गुप्ता जी एक सेकंड थोड़ा यार ये वाचिंग बहुत आ रही है 1400 लोग देख रहे हैं एक मिनट गुप्ता जी वाचिंग 1400 लोग देख रहे हैं लाइक्स नहीं है इसका मतलब बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप लोगों ने लाइक किया है कि नहीं। हाँ भाई गुप्ता हाँ दोस्तों लाइक कर दीजिए। मैं गुप्ता जी से एक बात पूछना चाहता हूँ सेक्स के सेक्स क्या शादी के बाहर नहीं मिलता क्या। हाँ तो आप करो ना आपको पुलिस पकड़ तो शादी जो है वो कंपेनियनशिप के लिए की जाती है। शादी की आप किसी लड़की के साथ सेक्स करो अगर उसने कंप्लेन कर दिया ना तो आपको डायरेक्ट फांसी होगी आपको पता है। नहीं मैं पहले क्या बात कर रहे हैं आप यार आपको तो पता ही नहीं है क्या होता है यार कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं एक सेकंड सर सुन लीजिए। अच्छा एक सवाल मैं पूछूंगा गुप्ता जी आपसे सेक्स किया उसने आप पे आरोप लगाया कि इसने हमारे जबरदस्ती से सेक्स कर लिया है तो क्या आपको रेप कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। मेरे भाई पुलिस को अपने बेवकूफ समझ के रखा है क्या यार आपको पता भी है क्या क्या होता है कैसा होता है आपको कुछ कुछ आइडिया अंदाजा भी है क्या बोल रहे हैं आप गुप्ता जी ये ऑनलाइन चल रहा है हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ये ऑनलाइन चल रहा है यार। हाँ आपने बोला ना कि बिना जी जी बोलिए गुप्ता जी एक बात आप बताओ शादी के बिना या शादी से पहले सेक्स किया जा सकता है कि नहीं कंसेंट अगर है दोनों की सहमति है तो सहमति है तब तो ठीक है लेकिन अगर किसी बीच के विवाद आ गया ना तो आपको अगर क्लेम लगा दिया कि नहीं मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया मैं तो सिर्फ जाना यार आप फिर इतना लंबा खींच रहे हो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। वो तो किया जा सकता है लेकिन वो गलत होगा वो मतलब अगर दो लोगों के बीच में कंसेंट है फिर भी गलत होगा। हाँ गलत होगा इसको हम गलत मानते हैं जी जी गजब संस्कारी हुए। अच्छा गुप्ता जी आप एक सच बात बताओ अच्छा ये बताइए कि अगर आप अगर किसी की शादी नहीं हुई है चलिए अगर वो सेक्स ना करे अगर उसके मन में पर स्त्री के लिए कोई काम वासना आती है ना तो गलत है कि सही है पर स्त्री के लिए काम वासना आना गलत है कि सही है। गलत है गलत है पक्का गलत है। हाँ पक्का गलत है। अच्छा अब मेरे को ये बताइए कि जिस इंसान के दिमाग में पर स्त्री के लिए काम वासना आ जाए वो क्या होगा गलत है हैवान अगर वो जबरदस्ती करेगा तो हैवानियत पर उतर आएगा दूसरा क्या होगा। नहीं नहीं मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई इंसान के मन में किसी स्त्री के लिए गलत भावना आए तो वो आदमी क्या है वो आदमी उसको हम क्या कहेंगे। हाँ, जब एक सेकेंड अगर उसके दिमाग में गलत भावना आएगा तब तो वो किसी लड़की के साथ रेप करेगा ना अगर उसके गलत भावना आएगा नहीं तो किसी लड़की को अब मेरे को एक बात बताओ। हाँ चलो आ गया अब मेरे को एक बात बताओ अगर किसी इंसान के मन में पर स्त्री के लिए गलत भावना भी आए और अगर वो इंसान पर स्त्री के सामने में अपना लिंग दिखा दे तो वो आदमी क्या चीज है। गलत है पक्का हैवान है। हाँ पक्का हैवान है हैवान है हैवान है ना भैया स्क्रीन शेयर कर देना भैया स्क्रीन शेयर गुप्ता जी का चोंच थोड़ा दबा देना यार बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं गुप्ता जी पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। सुनिए भाई दोस्तों सुनो इन्होंने कहा कि पर स्त्री के लिए अगर किसी के मन में गलत भावना आए वो दुराचारी और अगर वो आदमी जिसके मन में पर स्त्री के लिए गलत भावना आई उस आदमी को वो पर स्त्री को अपना लिंग दिखा दे तो वो हैवान होगा। तो आओ दोस्तों हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और बकौल गुप्ता जी मैं नहीं बोल रहा हूँ गुप्ता जी बोल रहे हैं कि ये आदमी हैवान है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4:17 में आता है गुप्ता जी कि कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारियों में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले गुप्ता जी इनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनके भावों को देखकर तीनों देवता
मुनि की पत्नी पर स्त्री अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपस्थेन्द्रिय को हस्त हाथों में धारण किए स्वयं रुद्र महादेव जी भगवान शंकर विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ब्रह्म लोप ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर अर्थात उसके वश में आ गए। अर्थात आसक्त होकर बोले रति देही मदाघोर ने हिमस्ताखो वाली पर स्त्री अनसुईया ये देख मेरा लिंग मेरे हाथ में है हे मस्ताखो वाली हमें अपने साथ रति करने दे दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे तेरे सिर पे हत्या देते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली है ये दोस्तों ये एक किताब आर्य समाज जी ने लिखी है। जी जी हमने इसको थोड़ा पढ़ा है। तो शंकर जी क्या है पढ़ा है वाह अब सही फंसे नहीं नहीं एक सेकंड ये शंकर जी क्या है शंकर जी क्या है भैया हम शंकर जी क्या है गुप्ता जी शंकर जी क्या है शंकर जी क्या है एक सेकंड यहाँ पे शंकर जी क्या हिम्मत लाओ अपने अंदर है। अरे आर्य समाज जी हिम्मत लाओ अपने अंदर शंकर जी क्या है जी जी क्या है अवतार है अवतार है हैवान नहीं है नहीं 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 यहाँ पे जो किताब लिखा हुआ है उनको बदनाम करने के लिए लिखा गया हुआ है भाई जो जो जिस किताब से उदाहरण दिया गया है ना उस किताब गलत है वो किताब को आप फाड़ के फेंक दो चाहे जला दो। पर स्त्री को जो लिंग दिखाता है वो कौन होता है वह किताब गलत उस इंसान को बदनाम करने के लिए लिखा हुआ है आप उस किताब को फाड़ के जला दो उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं है। ये फायदा होता है मैं कॉले के आने का ये फायदा हुआ पता है आपको यही सब पढ़ रहे थे बैठ के रति देही मदा घूरने कर रहे थे ये देखो ये आप ही आर्य समाज वाले छापते हैं इसको। जी 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 हम कहते हैं ये 100% सही है जिस किताब से उदाहरण दे रहे हैं ना उस किताब को आप जला दो चाहे फेंक दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई नहीं जाएगा आपको गुप्ता जी आप अपने आर्य समाजियों को बोलो ना आर्य समाजी को बोलो ना जलाने के लिए उनको उन्होंने जला क्या जो किताब गुप्ता जी आपके आर्य समाजी जो है सुनिए ना गुप्ता जी और गुप्ता जी बोल रहे थे गुप्ता जी ने ये किताब पढ़ी है गुप्ता जी अगर आपने ये किताब पढ़ी थी तो खुद विरोध क्यों नहीं किया क्यों नहीं गए आर्य समाजियों से बोलने अपने महेंद्रपाल आर्या से बोलने कि सर इस किताब को जलवाओ बोला क्या आपने इसमें गलत लिखा है मूर्ति पूजा क्यों करे मूर्ति पूजा क्यों करे उसके लिए नहीं कहा गया है कि हम मूर्ति आप मेरी बात अंधा सर्प से देही मदाघोर ने एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए उसने आर्य समाज में शंकर जी को हैवान आज आप बोल दिए गुप्ता जी एक सेकंड देखो भाई एक सेकंड सर एक सेकंड क्या बोल दिए गुप्ता जी देखो यार आर्य समाज जी लोग आपके शंकर जी के लिए कौन सी किताब छापे हैं देखो यार हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ तिवारी जी एक बात सुन लीजिए गारंटी तो आप लोग ही ना वो तो दिखा दिया क्योंकि मैं सुने जी जी सुने वो जो किताब है वो आर्य समाज जी नहीं छापा है अमर स्वामी प्रकाशन से किताब छपी हुई है उसने क्यों छापा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं ना उसको क्यों छापा हमको मतलब नहीं है उसने बता दिया कि शंकर जी अपनी लिंग दिखाते हैं आप नहीं और आप इस तरह से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं देखो आर्य समाज जी लोग काम किए देखो दोस्तों देखो अंधकुटिल पीछे लेके लोग यही करते हैं एक सेकंड सर वो आप फिर देखिए आपको जब जब आपको कोई आदमी कह रहा है कि ये गलत है तो आप फिर आप उस इंसान को छोड़ दूसरे इंसान को गरियाने लग रहा है कि भाई देखो तुमको गलत करा नहीं जो चीज गलत है उसको आप भी गलत कहोगे मैं भी गलत कहूंगा। अच्छा ये लिख कौन रहा था उस समय ये लिख कौन रहा था अंग्रेज लिख रहा था क्या अंग्रेज लिख रहा था नहीं 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 ब्राह्मण ब्राह्मण जो जातिवाद ब्राह्मण लिख रहा था ये पकड़े असली बात ब्राह्मण लिख रहा था जी जी हाँ, तो ब्राह्मण आपके शंकर जी के बारे में क्या क्या लिखा है इसीलिए तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लोगों को अपना लिंग दिखाते थे शंकर जी हाँ, बहुत गलत ब्राह्मण लिखा है ना ब्राह्मण लिखा है हाँ, हाँ, देख लो भाई आर्य समाज जी क्या बोल रहा है भाई देखो और दोस्तों देखो ये जब तक मैं काले नहीं आया था तब तक ब्राह्मण ये सब लिख रहा था इनकी किताबों में देखो भाई इसीलिए पढ़ने की मनाही ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों के पास होना चाहिए था उसी का खंडन करने के लिए तो दयानंद सरस्वती आए थे ना यार दयानंद सरस्वती क्या खंडन किए वो तो ये बोल दिया कि जो अंधकुटिल सांप उसको पीछे डाल लो अपने वो तो बोले अमेरिका पाताल लोक में बोल दिया अर्जुन का ससुराल बता दिए वो तो पाताल लोक वही तो कह रहे कि आप लोग अमेरिकन था मतलब अर्जुन अमेरिकन हो गया था गुप्ता जी पॉइंट ये है तिवारी साहब का गुप्ता जी
तिवारी साहब का पॉइंट ये है कि एक बात को गप सिद्ध करने के लिए दूसरी गप फेंकने की जरूरत नहीं है, समझे? वो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे सर। कमाल करते हैं गुप्ता जी यार, आप पाताल लोग को कह रहे हैं अमेरिका है, आपकी किताब में लिखा हुआ है यार। नहीं नहीं, हमने हमने अभी पाताल लोग के नहीं पढ़ा क्योंकि हमने कभी किताब नहीं पढ़ा यार। तो हम तो पढ़ के बैठे हैं ना, रेफरेंस दे रहे, आपको समझ में नहीं आता है गुप्ता जी? ये देखिए आपका रेफरेंस गलत ना है, हमने बहुत जैसे आपने मैकालो के इतना बड़ाई कर दी जिसे लगा कि मैकाले ही भारत को उत्थान करने पहुंचा, लेकिन आप जमीनी हकीकत पर देखे तो भारत का शिक्षा व्यवस्था और चौपट करके रख दिया। तो बताइए 150 साल पहले क्या क्या हाल था, 150 साल पहले क्या हाल था बताइए ना। मैकाले तो आया 1830 में भारत में आया, 1830 हाँ, तो मुसलमानों के राज के पहले क्या हाल था बताइए यार, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा एक बात, मुझे एक बात थी उस समय, अच्छा क्या व्यवस्था थी बताइए? बहुत सारे को पढ़ने का अधिकार था उसमें, ब्राह्मण सबको पढ़ने का अधिकार था। कहाँ लिखा है साबित करिए? वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, पर देखिए वेद कब लिखा गया। आप तैमूरलंग की कहानी पढ़ी क्या? क्या तैमूरलंग की आत्मकथा पढ़ी है ना? उसके हम पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज आप छोड़ दीजिए, पूरा पहले वाली बात छोड़ दीजिए, आपका शादी में होने वाला बलात्कार मैरिटल रेप के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या ज्ञान है? अरे इसके गजब बताइए, बहुत ज्ञान का बात पूछ लियो डॉक्टर साहब, आप इनको पता ही नहीं होगा क्या शादी का मतलब, हम ना समझे कुछ बता दीजिए। मैरिटल रेप के अंदर सुने हो आप क्या? नहीं नहीं नहीं, पहली बार सुन रहे हैं आप लोगों से बात। अरे बहुत से देशों में मैरिटल रेप ये कानूनी जुर्म है, पर अपने देश में ये लाने की कोशिश की तो बड़ा हंगामा हो गया, तो वो नहीं आया कि अगर शादी में अपनी वाइफ जो है वो अगर मना कर दे फिर भी उसके ऊपर बलात्कार यानी बलपूर्वक संभोग करना, इसे कहते हैं मैरिटल रेप। इसके ऊपर हाँ, तो आप क्या कहते हैं? जबरदस्ती आप करोगे तो शादी दो मिनट में टूट जाएगी ना। आप अगर किसी हाँ, नहीं, नहीं, आपके हिसाब से शादी सेक्स के लिए की जाती है तो फिर नहीं, कैसे? उसमें सेक्स का हिस्सा बहुत ज्यादा होती है ना। देखिए आप एक रिश्ते को पर नहीं है ना, जब से और किसी किसी कारणवश आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाए और आपका परफॉर्मेंस ना हो जाए तो आपकी बीवी आपको छोड़ जाए, अच्छा है बच्चे लेके या बच्चों को छोड़ के चली जाए सेक्स के लिए कहीं और। आप ना बहुत बहुत मिस क्या है ना, हल्की बातें करते हैं हर चीज में। गुप्ता जी आप वैसे शंकर जी की पूजा करते हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं करता वो। क्यों नहीं करते? मैं मानता हूँ उनको, लेकिन मैं मानता हूँ उनको, मतलब उनका आदर्श मंदिर ये नहीं कि वो घंटा शिवलिंग की पूजा करो जाओ वहाँ घंटी डोला धूप अगरबत्ती हनुमान चालीसा, ये सब मैं नहीं करता हूँ। घंटा नहीं हिलाते वहाँ, ये क्या नहीं हिलाते? नहीं घंटा शिवलिंग की पूजा करो, क्या बोल रहे हो गुप्ता जी? यार गुप्ता जी आप क्या बोल रहे हो, घंटा शिवलिंग की पूजा नहीं हिलाते वहाँ बोल रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, उसको आप कितनों भी दूध से धुल दो वो सही नहीं होगा ना। तो ये लोग जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो क्या है आपकी आपके हिसाब से? देखिए वो हमारा ही समाज का आदमी है जो गलत दिशा में, वो क्या है वो क्या चीज है, क्या चीज है मतलब? देखिए है तो सही है, लेकिन देखिए वो गलत किसी को मानता है ना तो पूछने लगता है। चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई यार समाजी लोगों की क्या विचारधारा है ना, अंधविश्वास है मतलब गलत। हाँ ये अभी देख लेते हैं कि क्या है, देखो ये इन्हीं की किताब में लिखा है, जिस बुलंद तकदीर वाले शंकर को अरबों खरबों बेहद खूबसूरत औरतें बकौल भागवत पुराण के हर समय घेरे फिरे रहती है, वह इस जमीन के काले कलूटे जीने मरने वाले पौराणिक हिंदुओं की भला क्या परवाह करेगा। ये आर्य समाजी लोग किन के लिए बोल रहे हैं? हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। व्यर्थ में ये लोग शंकर पर मोहित होकर उसके लिंग को पूज पूज कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जब शिवजी सर्वव्यापक एवं घटघट वासी नहीं है तो अपने भक्तों के हृदय की बात भी नहीं जान सकते, फिर ऐसे देवता का ध्यान करने से लाभ ही क्या है? ये बोल रहे हैं भाई, क्यों लाभ है? हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे, गलत कहाँ बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे, तो मतलब ये इसमें बोल रहे हैं कि भाई ये जो शिव जी जो खूबसूरत औरतों के साथ घिरे रहते हैं हर समय, आप ऐसा मानते हो? नहीं नहीं मैं नहीं मानता।
तो ये तो आपके आर्य समाज वाला लिखा है, वह इस जमीन के काले कलूटे जीने मरने वाले पौराणिक हिंदू, मतलब नहीं नहीं एक मिनट सुनो, ये आर्य समाजी लोग जो हिंदू हैं इनको काले कलूटे बोल रहे हैं, ये किताब है आपकी लिखा है इसमें, उसको सुधारने के लिए उसको लैंग्वेज को प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आप ऐसा मानते हो कि जो हिंदू हैं वो काले कलूटे? देखिए जो अंधविश्वास में डूब चुका हुआ है, जो अंधविश्वास के अंदर डूब चुका हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए वो शब्द का प्रयोग किया गया है कि कम से कम किसी तरीका से तुम उसे बाहर निकलो। तो भाई उसको बाहर निकालने के लिए कुछ और भी बात बोल सकते थे ना गुप्ता जी, आपको बाहर निकालने के लिए अगर मैं ऐसा बात बोल दूं तो देखिए हाँ, मतलब अब तो जो हिंदू हैं उनके बारे में आर्य समाजी लोग बोल रहे हैं भाई बताओ। हाँ तो उसको देखिए, उसको हमने ये थोड़े पे कह रहे हैं कि उसको मार दो, हमने उसको और ये लिखेंगे व्यर्थ में ये लोग शंकर पर मोहित होकर, व्यर्थ में शंकर पर मोहित होकर उसके लिंग को पूछ पूछ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। एकदम सही बात, शंकर जी के लिंग की भी अपमान कर दिया भाई। भाई हाँ तो अपमान थोड़े, अब वो पोखा पंडित का क्या किया, वो शिवलिंग बना दिया, अब उसको पूजो तो पूजो तो ये पौराणिक हिंदुओं की बात हो रही है, तो जो आम हिंदू है उनकी बात हो रही है। नहीं नहीं देखो हमको गालियां पड़ती, देखो ये क्या क्या लिखे आर्य समाजी लोग, उसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें आप भी तो आते हो ना गुप्ता जी, आप भी तो आर्य समाजी हो ना, आपके हिसाब से पौराणिक हिंदू काला का लूट है? भाई सुनिए आप पहली बात मेरी, और क्या लिखा है देखो उस, भाई उस इंसान के देखो देखो इन लोग क्या लिखे, स्पष्ट है पुराणकार की ये गप अधूरी है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी के घूमते रहने से ऊपर की दिशा हर समय बदलते रहती है, फिर ऐसे दूर रहने वाले विदेशी देवता की पूजा से लाभ भी क्या है जो 10,000 साल तक पार्वती के साथ विषय भोग में तल्लीन रहा करे। आप ये मानते हो कि 10,000 साल तक भगवान शंकर जी जो है वो पार्वती के साथ विषय भोग में थे? सब पंडित पोखा पंडित का लिखा हुआ ही से तर्क दे रहा है सर, वो कोई आर्य समाजी अपना मन से नहीं कर रहा है, वो तो आर्य समाजी तो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं ना ये सब बातें, वो तो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि वो हिंदुओं तुम समझो कि तुम्हारे लिए जो ब्राह्मण है काला कलूटा, ऐसे ऐसे बोलना तो किसी को रेसिस्ट नहीं होती बात थोड़ी सी? आप खुद क्या हो गुप्ता जी, हाँ ऐश्वर्य राय की तरह गोरा गोरा काल है क्या आपका आर्य समाज जी? नहीं 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 तो सामने आप क्या हो भाई जो दूसरों को काला का लूटा बोल दिया आप? नहीं नहीं मुझे नहीं बोला, देखिए बात क्या है, क्या हुआ कुछ आप क्या हो बताओ, टाइगर श्रॉफ जैसे दिखते हो आप गोरे गोरे एकदम। देखो ब्राह्मण जिस जाति जाति को शूद्र कहता है, हमने तो जाति को शूद्र नहीं कहते हैं, मतलब शूद्रों के लिए काला का लूटा लिखा गया। हाँ ये बात सही है, ये देखो भाई ये देखो भाई क्या गया, शूद्रों के लिए काला कलूटा लिखा है? हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, आप क्या चीज हो भाई, आपका पिछवाड़ा बहुत गोरा है कि आप एकदम जो ऋतिक रोशन जैसे दिखाई देते हो जो दूसरों को काला कलूटा बोल रहे हो आप? हो ही नहीं रही है वहां पे, मेरी बात हो ही नहीं रही है। अरे अभी आप शूद्रों को काला कलूटा बोले ना, एक मिनट अभी आपने बोला शूद्र काले कलूटे होते बोले ना, एक सेकंड मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए, आप आधा बात को सुन करके मेरा बात को बिखरिया कीजिएगा तो गलत बात हो जाएगी। हम क्या कहना चाहते हैं देखिए, हम जो उस बात जो कहा जा रहा है उन लोगों के लिए कहा जाता है कि जो पोखा पंडित के अति में जाल में फंस जा रहा है कि उसको ये इसको पूजेगा तो तुमको यह मिलेगा, इसको पूजेगा तो सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, इसके चक्कर में जो हमारे भाई है जो हमारे हिंदू धर्म के लोग है जो जाके उसमें फंस जाते हैं उसी में। वैसे हिंदू धर्म और क्या करना क्या चाहिए, हिंदू लोगों ने करना क्या चाहिए फिर? हाँ क्या करना चाहिए, वो आर्य समाजी के पास जाए, उसको क्या करना चाहिए, आर्य समाजी तो अंधा कुछ भी करते है वो। नहीं गुप्ता जी आपने अभी ये कहा कि पोंगा पंडित, सुनिए ना गुप्ता, आपने ये कहा कि पोंगा पंडित लोग ये कहते हैं पूजा पाठ करो, तो आर्य समाजी भी तो यही कहते हैं ना कि एक ईश्वर की प्रार्थना करो, वो भी तो वही कहते हैं। प्रार्थना करने के लिए ये नहीं करें कि सुबह शाम ध्यान साधना में बैठ जाओ, कृष्ण जैसे योगेश्वर है वैसे आप भी योग करो, ये तो भी कहते हैं आर्य समाजी, फर्क क्या है? ध्यान साधना में बैठ जाओ ज्ञान मिलेगा, ईश्वर पालोगे ध्यान करके, ये तो आर्य समाजी कहते हैं। तो आर्य समाजी में पौराणिक पंडितों में क्या फर्क है? कहाँ कर रहा है आर्य समाजी की पढ़ाई छोड़ दो खाली ध्यान करो आपको पूरा ज्ञान, ये तो पौराणिक पंडित भी नहीं कहते, पुराने पंडित भी नहीं कहते पढ़ाई छोड़ दो। नहीं पुराने पंडित तो बोलते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि तुम अगर नहीं पढ़े हुए अगर शिवलिंग पर एक सुमारी कर लो तुम्हारा बेटा मैट्रिक में फट भी ना आएगा, पोखा पंडित कहते हैं यार, मैं इसका प्रमाण दे दूंगा आपको। तो कर
आर्य समाज के हिसाब से क्या करना चाहिए हिंदू लोगों ने? हाँ, करना चाहिए राम राम का राम का जीवन चरित्र अपनाओ, राम को घंटी डुलाने, राम के आगे घंटी अगर हाँ अपनी बीबी को घर से प्रेग्नेंट होते हुए राम के आगे घंटी मत झुलाओ, बोले यार ये देखो बहुत गंदी बातें हो रही है, इन्होंने कहा राम के आगे घंटी मत झुलाओ, चरित्र को अपना उसका वो क्या हाँ उसका चरित्र नहीं तो राम के आगे घंटी झुलाने का क्या मतलब है आपका? हाँ जैसे फूका पड़े आप इस तरह से किसी की धार्मिक भावना हाथ नहीं कर सकते गुप्ता जी, मैं मानता हूँ कि आर्य समाजी लोग करते हैं, लेकिन ये बोलना कि राम के आगे घंटी झुलाओ इसका क्या मतलब होता है भाई? हाँ वो गलत है तो गलत, गलत वो गलत ना कहूंगा तो सही कहाँ से कह दूंगा भाई, आपको कहाँ पे डिबेट करना है? राम के आगे घंटी झुलाने का क्या मतलब है गुप्ता जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। चलो अब गुप्ता जी को, गुप्ता जी आज का आपका कोट पूरा हो गया, चलिए गुप्ता जी आज का कोटा पूरा हो गया, पाताल लोक निकलो।